2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में बड़ी सेंधमारी की तैयारी। सपा का एक और बड़ा विकेट गिरा सकती है भाजपा। सपा विधायक पूजा पाल ज्वाइन कर सकती हैं बीजेपी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों उलटफेर का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले पार्टियां अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। पार्टियां पूर्वांचल में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के साथ साथ प्रदेश में मिशन 80 पर काम करती दिख रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर समाजवादी पार्टी में सेंधमारी शुरू कर दी है। यूपी चुनाव 2022 से पहले जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भाजपा के विधायकों को तोड़ा था, पार्टी अब उसी प्रकार से एक्शन में दिख रही है। दरअसल माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द समाजवादी पार्टी का एक और बड़ा विकेट गिरा सकती है। इस बार पूर्व विधायक राजपाल की पत्नी और वर्तमान सपा विधायक पूजा पाल को भाजपा अपने दल में शामिल कर सकती है। माना जा रहा है कि भाजपा में शामिल होने से पहले पूजा पाल अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। भाजपा भविष्य में पूजा पाल को मंत्री पद या सांसद का टिकट जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दे सकती है। भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले अपने कुनबे के विस्तार की योजना पर काम कर रही है। इस क्रम में विपक्षी कद्दावर चेहरों को अपनी तरफ लाने का प्रयास किया जा रहा है। सपा विधायक इंद्रजीत सरोज को लेकर भी चर्चा है। इन दोनों नेताओं के अलावा सपा के कई विधायकों की भाजपा संपर्क में होने की खबरें सूत्रों की मदद से मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों लगातार समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े विकेट गिरा रही है। इससे पहले विधायक दारा सिंह को बीजेपी ने अपने दल में शामिल किया। सपा के 2022 चुनाव में सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल हो चुके हैं। एक सप्ताह पहले बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हो गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि राजू पाल, जिनकी हत्या अतीक गैंग ने प्रयागराज में की थी, उनकी पत्नी पूजा पाल को भाजपा अपने पाले में ला सकती है। फिलहाल पूजा पाल समाजवादी पार्टी में है। राजू पाल हत्याकांड के गवाह की हत्या के मामले में अतीक अहमद की बेटी असद का एनकाउंटर किया जा चुका है, जबकि एक अन्य वारदात में अतीक और उसका भाई की हत्या का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में पूजा पाल का बीजेपी में शामिल होना प्रयागराज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ा फायदा दे सकता है। माना तो यहां तक जा रहा है कि सिराथू या प्रयागराज सीट से भारतीय जनता पार्टी पूजा पाल को उम्मीदवार भी बना सकती है। अगले 2 से 3 दिन में पूजा पाल भाजपा में शामिल हो सकती हैं। इससे पहले वो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगी। पूजा के साथ में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता भाजपा में आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।